दोस्तों, आज आपके लिए एक्सक्लूसिव एक वीडियो लाया गया है जिसमें आपको ऐसी चरखी दिखाई जा रही है जो हम अपने दिल्ली के गौरव भाई के लिए कुछ चरखी निकाल रहे थे। तो सोचा कि आप लोगों को भी वो क्वालिटी दिखाई जाए, क्योंकि जब हम इस चरखी को निकाला देखा, क्योंकि हमारी रुकी हुई डोर है, तो उसके बाद हमें एहसास हुआ कि डोर बहुत अच्छी है और हमारे और भी जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो यूज़र्स हैं या जो हमारे पांडा के शौकीन लोग हैं, नौतार पांडे की डोर है, उनको इस बारे में थोड़ा सा दिखाया जाए या थोड़ा सा बताया जाए। तो दोस्तों, आपको जैसे डोर दिख रही होगी, बहुत ही बेहतरीन और रुकी हुई और सूखी हुई डोर है, मतलब पली हुई डोर होती है ना। तो दोस्तों, ये देखिए आप क्वालिटी, इसमें इस तरीके का आपको टेम्पर दिखेगा। ये देखिए, एक हाथ मेरा चरखी पकड़े हुए और एक हाथ से मैं आप लोगों के लिए जो है डोर पकड़ के इसका टेम्पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको इसके टेम्पर से पता चल जाएगा कि डोर में जो तासीर है वो कितनी अच्छी है। और ये देखिए, ये इसके छल्ले, नीचे मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि जो हमारा कैमरा है वो थोड़ा ऊपर की तरफ सेट है। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को डोर इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे हाथ में फील कर सकते हैं, पर आप लोग केवल इस डोर को हमारे कहने पे या इसके टेम्पर पे आप लोग समझ सकते हैं कि डोर में क्या तासीर है। बेसिकली ये कलर तो मिल जाता है हर जगह, पर अब जो मैं आपको चीज़ें खोल के दिखाने वाला हूँ वो चीज़ें आपको थोड़ा सा मुश्किल या ना के बराबर ही मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये कलर देखिए, ये सीमेंट कलर है और बहुत बढ़िया टेम्पर है इस पर। आप ये पास से देख सकते हैं, पूरे बल्ब खुले हुए हैं इस डोर के। ये देखिए, बीच में एक सांड भी दिख रही है। ये देखिए आप डोर, डोर की क्वालिटी देखिए और टेम्पर देखिए दोस्तों। टेम्पर बहुत अच्छा है इन डोरों का, और उन्होंने जो डोर सेलेक्ट करी थी थोड़ी सी दूर है, मैं उसे एक पास लेके आता हूँ। दोस्तों, ये पिस्ता में कलर था और पिस्ता में ग्रे कलर आप मान सकते हैं इसे। मैं एक बार ये सब चरखियाँ खुल जाएगी तो एक बार कलर आपको और अच्छी तरीके से दिखा दूंगा। अभी तो केवल एक वीडियो को हमें आपके लिए तैयार करना था ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या टेम्पर होता है, क्या क्वालिटी होती है। अब दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं आपको डिफ्रेंशिएट भी बता देता हूँ। ये देखिए, दो चरखियाँ हैं, एक में थोड़ी सी जो लेफ्ट हैंड पे है ये स्टील ग्रे है और जो राइट में है वो पिस्ता ग्रे है, या सिल्वर ग्रे भी मान सकते हैं आप इसे। तो जो सिल्वर ग्रे है दोस्तों, वो चरखी दोस्तों थोड़ी सी बारीक सूती भी है और ये हल्के से चढ़े हुए पैटर्न पे है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इसमें। और डोर की आप सुताई भी जज करिए, मैं एकदम कांस्टेंट रखे हुए हूँ, और आप इसकी जो फिनिशिंग है वो भी जज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि हम अपना वीडियो खुद ही बनाएं और आपको दिखाएं, ताकि जो एक होता है ना कि कॉस्टिंग जो है वो कम आए। हम लोग भी नहीं चाहते कि कहीं पे हम पेड प्रमोशन करके माल को और महंगा करें। आप ये देख सकते हैं क्वालिटी, ये दोस्तों केवल कलर के कारण मैं खोल रहा हूँ। ये देखिए, प्याजी कलर है या लाइट पर्पल कलर है। थोड़ा सा कोशिश करते हैं रोशनी में आपको दिखाने की। ये देखिए क्वालिटी, तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी आपके सामने, और हल्का सा जैसे बोलते हैं ना मोबाइल में लाइट है, तो यहाँ पे कलर जो है वो डार्क है, हल्का सा पास लाते हैं तो थोड़ा सा लाइट दिखता है। तो एक जनरल हम रिव्यू कर रहे हैं कि डोर को जब हम 6 महीने रोकते हैं तो उसमें क्या तासीर आ जाती है, क्या उसमें लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, और जब आप इसको अपने हाथ में लेंगे तब आप याद रखेंगे किसी भाई ने दिल से आपको सपोर्ट किया था। क्योंकि अभी वीडियो में तो हमारी भी मजबूरी है, हमें हर चीज़ अच्छी बनानी बतानी पड़ती है, बनवानी पड़ती है, पर उसका असली जो रिज़ल्ट होता है वो आपके हाथ में आने के बाद है। क्योंकि अभी हम 10 चीज़ों की तारीफ़ कर दें और वैसा माल नहीं हो या वैसा माल नहीं दे तो वो चीज़ शोभा नहीं देती एक जेन्युइन शॉपकीपर को। तो दोस्तों, कोशिश हम जो कोरोना से हम पहले से हैं दोस्तों, क्योंकि 2013 से हम काम कर रहे थे और 2016 से फिर हमने दुकान वुकान का सोच के और 24 घंटे एक ही काम करने की ठान रखी थी। तो ये चीज़ें आपको भी पता चल रही होंगी कि कोरोना से जो पहले के शॉपकीपर हैं और जो कोरोना के बाद के शॉपकीपर हैं, तो कई जगह आपको दिखेगा कि एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट हो गया है ये, कि कईयों को डोर बस आई और सल्टानी है। और जो जिनको डोर की तासीर के बारे में, जैसे जो अच्छे उस्ताद हैं उन लोगों को, या जो शॉपकीपर महीने 2 महीने 6 महीने डोर रोक के काम करते हैं, तो फिर ये तासीर का पता चलता है।
ये देखिए सूखी जो मेहंदी होती है वो, या एक गोल्डन ग्रे ग्रीनिश कलर, इसको हम ब्राउन नहीं बोल सकते, गोल्डन ग्रीनिश कलर है दोस्तों। ये सारी चरखियाँ मैं अभी नीचे रख रहा हूँ, एक वीडियो एक शॉर्ट बना लेंगे, या इस वीडियो में भी कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो आप जब उस वीडियो को देखेंगे कलर आपको तब और अच्छी तरीके से दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए मेन पिस्ता कलर, मतलब बहुत ही एक जैसे आप किसी पेंटर की शॉप से आप कलर चार्ट ले आए हैं और कलर दिखा रहे हैं। और दोस्तों ये हमारी मेहनत के साथ साथ हमारे जो कारीगर हैं उनकी कारीगरी है। हमारा काम तो मेन इन्वेस्टमेंट करने का है कि अच्छे से अच्छे कारीगर पे इन्वेस्ट करके आपको बढ़िया से बढ़िया डोर दें। देख रहे हैं दोस्तों आप बल खुले में डोर के, ये डोर इतनी आसानी से नहीं बनती है, और आज के टाइम में मैं भी कहीं पे ऑर्डर दूं तो ये अभी बन के नहीं आएगी, अगले 2 महीने तक बन के नहीं आएगी। ऐसी जो क्लाइमेट कंडीशन वो बरेली में हो चुकी है। तो ज़्यादा कुछ इसमें बड़ी बातें नहीं होती, आपको समय से अच्छी चीज़ पे काम ध्यान देना चाहिए, काम करवाना चाहिए। और कारीगर को एक ही चीज़ कि अगर आपके 50-100 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं तो आप वो काम करिए, यूँ ना हो कि आप उसकी वजह से कुछ काम में या जो रिजल्ट में है वो हमारे कमी आए। तो आप देखें मैं एक से बढ़कर एक कलर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी दिवाली के बाद आप लोग फिर इस कलर को या इस वीडियो को शेयर करेंगे मेरे से, तो मेरे लिए भी उस समय थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बात को आप थोड़ा सा समझें और कुछ हमारी मजबूरियों को समझें कि नहीं हो पाता, नहीं दे पाते हैं। ये देखिए ये है गोल्डन कलर, देख रहे हैं दोस्तों। तो ये जो हमारे पंजाबी भाई हैं, जो हमारे सरदार भाई हैं, जो हमारे दिल्ली के बड़े पतंग शौकीन हैं, और कुछ एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने ये बोला कि गौरव यार हमारी जो पतंग है ना दिन में हम 5-6 उड़ाते हैं, पर उड़ाते सब ढाल हैं। तो यार कोई ऐसी चीज़ दे दे कि 1,000 मीटर पे खड़ी कर दिया और फिर चाहे प्लास्टिक उड़ाए चाहे कुछ भी उड़ाए, अगर हवा में हमारी पतंग तन गई है तो फिर उसके बाद वो कटना मुश्किल है। और बाय चांस वो कट गई 200-500 मीटर डोर लेके गई तो आगे 100-200 पतंगों को समेट दे, वो इतनी तेज़ी से आगे भागनी चाहिए। तो दोस्तों फिर 9 तार 12 तार चाहिए होता है। इसकी एक खूबी है कॉटन मांझे की, ये कभी भी स्ट्रेच नहीं होता, और स्ट्रेच नहीं होने की वजह से दोस्तों इसका जो धागा है वो जल्दी से टूट जाता है, जो हम आजकल फ्लाईओवर्स पे देखते हैं और जो थोड़ी सी मिसहैपनिंग होती है प्लास्टिक या चाइनीज नायलॉन मांझे से, वो कॉटन धागे में नहीं होती है, ना के बराबर होती है, और होती भी है तो सीवियर कंडीशन नहीं होती। दोस्तों ये कंडीशन जो दिखा रहे हैं ये लेफ्ट साइड में हमारे, ये हल्का सा चरखी रखने से हो जाता है, चरखी एक के ऊपर एक रखते हैं, पर ये 1-2 लेयर निकलते ही ये सीधा हो जाएगा, ये कुछ खराबी नहीं होती, चरखी रखने से थोड़ा सा होता है। तो दोस्तों गोल्डन कलर भी आ गया, मेरे पास भी चरखियाँ ख़त्म सी होती जा रही हैं, क्योंकि कलर के चक्कर में मैंने बहुत सारा माल उतार तो लिया आपको दिखाने में। देखिए अब आपको एक वो मेहंदी कलर दिखाया था, अब एक कलर और दिखाता हूँ। ये भी ये ग्रीनिश मेहंदी है और वो सूखी मेहंदी में था, एक पर्पल शेड दिखा दिए, तो ये कुछ एक कलर थे। एक चरखी हमारी फिक्स हो चुकी है इसमें से, मैं अभी वीडियो जब नीचे करेंगे दिखाएंगे आपको। देखिए तो फिनिशिंग दोस्तों शायद आपको अच्छी तरीके से दिख रही होगी, नहीं दिखे तो एक और एंगल से भी अभी दिखाएंगे, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए वीडियो का। तो ये हमारा मेहंदी कलर था, और ये देखिए हल्का सा जैसे होता है ना कि जब वो जो लुद्दी वाला आदमी मतलब लपेट रहा है उसके हाथ में लुद्दी, और उसने वो पेपर लगा दी यहाँ पे, तो पेपर पे भी हल्की सी हमारे लुद्दी आ गई है। देखिए तो देखिए दोस्तों फिनिशिंग पार्ट देखिए डोर का, और अच्छा मजबूत पैटर्न पे पांडा 5 9 तार, और आर्टिकल 325 323 और 9333 ये सब आर्टिकल लगते हैं। फिनिशिंग पे और डोर की क्वालिटी पे आपको भरपूर विश्वास हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ नीचे रख के इन सब के कलर की कॉम्बिनेशन। और दोस्तों ऐसे कलर कॉम्बिनेशन हैं जो बहुत ही मुश्किल से बने हुए हैं, बहुत ही मेहनत से बने हुए हैं, और बहुत ही समय के साथ इनको फिनिशिंग टच दिया गया है। और अब आपके लिए दोस्तों जो वीडियो का मेन पार्ट है वो आने वाला है, और वो देख के आप लोग की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। और इसमें से एक कलर भी ब्लैक नहीं है दोस्तों,
तो फाइनली गुजरात से हमारे इमरान भाई, आपने बोला था कुछ वीडियो अच्छा दिखाइए, तो ये देखिए आप वीडियो। तो दोस्तों ये है हमारा जो सोल्ड आउट हो चुका है, उसके बाद ये है हमारा प्याजी कलर, उसके बाद आप देखिए गोल्डन मेहंदी, गोल्डन ब्राउन, पिस्ता कलर। देखिए फिनिशिंग देखिए आप दोस्तों, फिदा हो जाएंगे इस फिनिशिंग पे। और जो भाई है दुकान पे आना चाहे मोस्ट वेलकम है, आप दुकान पे आके हाथ लगाइए, और इससे बेहतरीन डोर हो तो आप मुझे बताइए कि इसमें ये बेहतरीन हो सकता है। तो दोस्तों थोड़ी सी हमें यहाँ पे कलर दिखाने में टाइम लगा, पर अब देखिए आप कितना बेहतरीन काम है। तो देखिए कितना बेहतरीन काम हो रखा है, और क्वालिटी आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक कलर। तो ये सब नौतार पे थे, छह रील पे थे, और अब आपको इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन, क्वालिटी, मेहनत, और मेहनत के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों ये आपको देखिए कितना बेहतरीन डार्क काजल कलर है, ब्लैक नहीं है ये। आपको वीडियो में ब्लैक दिख रहा है, पर ये प्रॉपर ब्लैक नहीं है, क्योंकि ब्लैक कलर ऐसा होता है। ये देखिए फर्क है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एक नंबर चीज़ है। जिस भाई को चाहिए वो कांटेक्ट करे, नंबर मैं शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होगी, सीधा ये वीडियो ऐसे ही आएगा। 11 मिनट 41 सेकंड 42 सेकंड हो चुके हैं, तो सीधा का सीधा ये वीडियो आएगा दोस्तों। और ना ही इस पे वीडियो पे कोई नाम नंबर डिस्प्ले होएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में आपको सब चीज़ें मिलेगी। इसी तरह दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार और हमारा व्यवहार बने रहने दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।